Hello everyone, in the series of Transfer of Property Act 1882, today we are going to discuss a topic, Wasted Interest. Wasted Interest kya hota hai? Wasted Interest ka matlab ki jisko property milne wali hai, usko property mein interest mil chuka hai us property mein. Us property ka, uske paas right aa chuka hai, ki jo property ka interest hai, wo us person ke paas rahega. Ye Wasted Interest hota hai. Ab hum baat karte hain kuch illustrations ki, jisse aapko ye easily samajh mein aayega ki Wasted Interest kya hota hai. Wasted Interest hota hai ki jab जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ए ट्रांसफर हिज हाउस टू बी विदाउट स्पेसिफाइंग एनी डेट ऑन विच द ओनरशिप इज टू बी ट्रांसफर्ड. ए ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना जो हाउस है, वो बी को ट्रांसफर करता है, लेकिन उसमें ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि कब हम ट्रांसफर करेंगे. उसमें डेट मेंशन नहीं करी है कि इस तारीख को ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उसने ये कर दिया है कि ये जो मेरी संपत्ति है, मेरा जो हाउस है, मेरा जो घर है, वो आपका होगा. तो यहाँ पे जो बी पर्सन है, बी का वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, क्योंकि बी का राइट आ चुका है उस हाउस में. ये कंफर्मेशन हो चुका है, क्योंकि जैसे ट्रांसफर होता है वैसे उस पर्सन का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है. तो वेस्टेड इंटरेस्ट, बहुत सारे इंटरेस्ट जो होते हैं उनमें से एक टाइप वेस्टेड इंटरेस्ट होता है. और वेस्टेड इंटरेस्ट में जिस पर्सन के फेवर में राइट क्रिएट होता है, जो ट्रांसफर ही होता है, क्योंकि हमेशा राइट ट्रांसफर के फेवर में ट्रांसफर होता है, तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है. दूसरा इलस्ट्रेशन बात करता है, ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ रुपीज 10 लाख टू बी ऑन द डेथ ऑफ सी. कि जब सी की मृत्यु हो जाएगी, उस दिन ए बी को 1 लाख रुपए दे देगा. ऐसा ए बोल रहा है बी को. उसने ये गिफ्ट डीड बना रखी है कि मैं साहब, ये जो गिफ्ट डीड है, मैं आपको ये बना के दे रहा हूँ. आपको क्या करना है, जिस दिन सी की मौत हो जाएगी, उस दिन मुझसे आप ये मांग लेना, ये आपके पैसे हैं. तो यहाँ पे ये है कि जो ट्रांसफर है वो हुआ नहीं है अभी 1 लाख रुपए का, लेकिन जैसे ही जो गिफ्ट डीड बना है यहाँ पे, उससे ये क्लियर हो गया है वी का वेस्टेड इंटरेस्ट, कि बी के पास 1 लाख रुपए आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सी जो है उसका डेथ होना, उसकी मृत्यु होना निश्चित है. सी हमेशा बिल्कुल मरेगा, ये कन्फर्म है. कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमेशा जिंदगी भर जिंदा रहे, इसका मरना तय है. तो जिस दिन सी की डेथ हो जाएगी, उस दिन वो ए जो है बी को 1 लाख रुपए दे देगा. तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है बी के फेवर में, क्योंकि अभी आज की डेट में सी की डेथ नहीं हुई है, लेकिन आज की डेट में जो बी के फेवर में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, उसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट. अब हम सेक्शन की बात करते हैं. सेक्शन बात करता है, वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन. जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है और एक इंटरेस्ट किया जाता है किसी पर्सन के फेवर में, तो यहाँ बता रखा है कैसे कैसे, किन किन कंडीशंस पे ऐसा माना जाएगा कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट है. तो बता रखा है, अ पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट. बिना स्पेसिफाई करे, बिना ये बताए कि कब उस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो उस पर्सन का हो जाएगा, ट्रांसफरी का हो जाएगा. ये टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन ट्रांसफर कर दिया गया है. तो ये होता है विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट, कि बिना टाइम स्पेसिफाई करे इफेक्ट में ला दिया, उसको वेस्टेड इंटरेस्ट बोलते हैं. या फिर और इन टर्म्स स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थ विद का मतलब होता है कि जैसे ही मैं अभी ये डीड जो बना रहा हूँ, जो ट्रांसफर डीड बनी है, जो इंस्ट्रूमेंट बनता है, उसमें मैं लिख दूँ कि जैसे ये प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे ये जो डीड बन रही है इसका रजिस्ट्रेशन होगा, वैसे ही ऐसा मान लिया जाएगा कि ये सारी संपत्ति ट्रांसफरी की हो गई है. एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलें अगर हम, तो सपोज मान लीजिए ए अपनी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करता है बी को, तो जो ट्रांसफर डीड बनेगी उसमें ये लिखता है कि मैं मेरी सारी संपत्ति, या ए इज ट्रांसफरिंग इज ऑल द प्रॉपर्टीज टू बी फोर्थ विथ. तो फोर्थ विथ का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी की अभी मेरी जो इतनी भी सारी प्रॉपर्टी है वो बी की हो गई. थर्ड बात करता है, और इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइंग दैट इज टू टेक इफेक्ट. कौन सी टर्म्स में, ये हो गया फोर्थ विद. और ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन. हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन का मतलब है कि कोई एक ऐसा इवेंट, कोई एक ऐसा कार्यक्रम, या कोई भी ऐसा कार्य जो अवश्य होगा, जिसका होना सर्टेन है. अनसर्टेन इवेंट नहीं, एक सर्टेन इवेंट की बात करें यहाँ पे, कि एक सर्टेन इवेंट है जो 100% होगा ही होगा. फॉर एग्जाम्पल 2020 आएगा ही आएगा, 1 जनवरी 2019 आएगी ही आएगी, किसी की डेथ होना इज अ सर्टेन इवेंट, हर कोई पर्सन की भी डेथ होगी होगी, ये 100% श्योर है. तो दीज आर द इवेंट्स विच मस्ट हैपन. तो अगर कोई ऐसी डीड ट्रांसफर करता है, कोई ऐसी ट्रांसफर डीड बनाता है कि जिस दिन
उस पर्सन की मृत्यु हो जाएगी, जैसा यहाँ पे इलस्ट्रेशन पे दिया है कि ए मेक्स ए गिफ्ट ऑफ रुपीज 1 लाख टू बी ऑन द डेथ ऑफ सी, जिस दिन सी की डेथ हो जाएगी, ये वो ऐसा डेथ ऑफ सी एक ऐसा इवेंट है जो हमेशा होगा ही होगा, तो जिस दिन सी की डेथ हो जाएगी उस दिन ए बी को 1 लाख रुपए दे देगा, ऐसे इसने उन्होंने डीड बनाई है। तो ये जो है ये इसका एग्जाम्पल हो गया, तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन, सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड अनलेस अ कॉन्ट्रारी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर। ये जो इंटरेस्ट है, ये तीन जो इंटरेस्ट की बात करी है, ये तीनों ऐसे माने जाएंगे कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट है अनलेस अ कॉन्ट्रारी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर, जब तक कि कोई ऐसी इंटेंशन ना हो ट्रांसफर डीड में कि जो इन तीनों इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जारी हो, या फिर इन तीनों इंटरेस्ट में से किसी एक इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही हो। कोई भी अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक तरह का ट्रांसफर हो रहा है तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाएगा, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई और अलग तरीके का ट्रांसफर है तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं कहलाएगा। आगे सेक्शन में बात करी है, इफ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफिटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजिशन, कि सपोज मान लीजिए ए ने अपना हाउस ट्रांसफर करा है बी को विदाउट स्पेसिफाइंग एनी डेट ऑन विच द ओनरशिप इज टू बी ट्रांसफर, उसमें ये भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि कब ट्रांसफर करेगा, कोई डेट मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे बी का वेस्टेड इंटरेस्ट तो क्रिएट हो चुका है। लेकिन बी अगर सपोज मान लीजिए पोजिशन अभी नहीं ले रहा है, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर रहा है, और प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट अगर वो बाद में करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रॉपर्टी है, जो बी का राइट है, वो खत्म हो जाएगा बी की डेथ होने पे। अगर ऐसी डीड बन चुकी है कि ए ट्रांसफर करेगा अपनी प्रॉपर्टी बी को और कब करेगा, उसमें डेट स्पेसिफाई नहीं करी है, तो यहाँ पे बी का वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। अगर आज बी की डेथ भी हो जाती है तो ये जो ए का हाउस है, ये बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेयर्स जो होंगे उनमें ट्रांसफर होगा, ये बात कर रहा है। अब हम आगे बात करते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसकी एक्सप्लेनेशन में बात करी है, an interest an intention that an interest shall not be wasted is not to be inferred merely from a provision whereby the enjoyment thereof is postponed। यहाँ पे explanation में बात बता रहा है कि आप जो wasted interest है वो कब कब कैसे कैसे मान के चलेंगे, तो उसमें explain में करता है ये कि wasted interest जो है, an intention that an interest shall not be wasted is not to be inferably merely from a provision whereby the enjoyment thereof is postponed, कि अगर किसी person जो transferee है उसका जो enjoyment का right है, right to possess that property, अगर वो postponed हो जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका vested interest उस property में नहीं है। For example, यहाँ पे एक illustration देखते हैं, A made a gift of his property to B on direction that B will get possession of the property only after the death of A। इस illustration में बात करें कि A अपनी property B को transfer कर रहा है और B को ये direction दे रहा है कि आपको इस property का possession तभी मिलेगा जब मेरी death हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम B के perspective से बात करें तो B को property कब मिलेगी, जब ए की डेथ होगी। तो जब तक ए की डेथ नहीं होगी बी को पोजीशन नहीं मिलेगा, बी एंजॉयमेंट नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी का। तो अगर बी एंजॉयमेंट नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी का इस कारण से, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी में नहीं है, ये गलत होगा मानना। फिर बता रखा है, और वेयर बाय अ प्रायर इंटरेस्ट इन द सेम प्रॉपर्टी इज गिवन और रिजर्व टू सम अदर पर्सन, और अगर कोई प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उस प्रॉपर्टी में या फिर किसी और पर्सन के लिए जो प्रायर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रायर इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर्टी में किसी और पर्सन को जो फाइनल एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जिस पर्सन के पास जाएगा उससे पहले किन्हीं पर्सन को, कुछ लोगों को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, तो वो होता है प्रायर इंटरेस्ट। प्रायर मतलब पहले का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, A transfer his property to B with a condition that if B does not take possession of house within 2 months, यहाँ पे जो A की property वो house है और A बोल रहा है B को कि अगर मैं आपको मेरी property आज transfer कर रहा हूँ और transfer करने के 2 महीने के अंदर अंदर आप मेरे house का possession नहीं लेते हैं, तो 2 महीने के बाद वो house अपने आप मान लिया जाएगा C का है। अब suppose मान लीजिए वो 2 महीने पूरे हो जाते हैं, B ने house का possession नहीं लिया, तो अब यहाँ पे जो राइट आ गया है वो सी का राइट आ चुका है। तो ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि अगर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट है किसी भी प्रॉपर्टी में तो भी वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही माना जाएगा। तो यहाँ पे सी के लिए जो प्रायर इंटरेस्ट है वो बी का है, क्योंकि सी से पहले प्रॉपर्टी बी के पास है,
यहाँ पे 2 मंथ की कंडीशन है, लेकिन अगर सपोज मान लीजिए इसी इलस्ट्रेशन को दूसरी एग्जांपल की इस तरह हम लेके चले कि ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पे 2 मंथ की जगह होता है कि वो 10 साल तक इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है और 10 साल के बाद वो प्रॉपर्टी सी की बिलोंग हो जाएगी, सी को चली जाएगी। तो बी यहाँ पे एक प्रायर इंटरेस्ट है सी के लिए, क्योंकि 10 साल होंगे ये कन्फर्म, ये एक ऐसा इवेंट है जो होना ही है, 10 साल बाद प्रॉपर्टी सी को आएगी। तो सी को जो प्रॉपर्टी मिल रही है 10 साल बाद, तो 10 साल तक बी के पास पोजीशन उस प्रॉपर्टी का रहेगा, तो यहाँ पे बी एंजॉय कर रहा है, बी प्रायर इंटरेस्ट है सी के लिए, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि सी को वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। फिर आगे बात कर रहा है, और वेयर बाय इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज डायरेक्टेड टू बी एक्युमुलेटेड अंटिल द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट अराइव्स, जब तक एंजॉयमेंट का टाइम या फिर पोजीशन का जो टाइम है वो अराइव हो रहा है तब तक जो प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है वो एक्यूमुलेट की जाएगी। एक्यूमुलेशन वाला जो सेक्शन है, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन सेक्शन 17 में बात करी है, तो उसमें बता रखा है कि कब कब प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो कैसे कैसे किसको ट्रांसफर होगी। तो उसमें बताया है कि अगर जो ट्रांसफरी है उसकी डेथ होती है तब तक आप उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वो उसको ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उसके 18 साल तक, जो उन दोनों में से कोई जो ज़्यादा लंबा बड़ा पीरियड होगा उसमें आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, या फिर हो सकता है कि वो ट्रांसफर हमेशा जो प्रॉफिट है वो हमेशा के लिए रहे, तो उसके लिए कुछ ग्राउंड्स बता रखे हैं उस सेक्शन में, 17 की आप वीडियो देख सकते हैं बनी हुई है। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर एक्यूमुलेशन वाली कंडीशन है तो भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपका वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म हो गया उस प्रॉपर्टी में। फिर लास्ट लाइन एक्सप्लेनेशन की बात करती है, और From a provision that if a particular event shall happen, the wasted interest shall pass to another person. अब ये जो illustration है ये completely इसी बात को refer कर रहा है, ये बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा event होने पे कोई property दूसरे person को भी transfer हो जाएगी तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि उस person का wasted interest नहीं है। Example समझते हैं, A अपने property B को transfer करता है, क्या condition लगा के कि अगर B 2 महीने में possession नहीं लेगा तो property C को transfer हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे बी 2 महीने में पोजीशन नहीं लेता है प्रॉपर्टी का, तो ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर हो रही है, और अगर बी अपना पोजीशन 2 महीने के अंदर ले लेता है तो ये प्रॉपर्टी बी के पास ही रहेगी। तो जो कंडीशन एक सब्सिक्वेंट कंडीशन लगी है बी के ट्रांसफर पे कि अगर 2 महीने में नहीं लोगे तो आगे ट्रांसफर हो जाएगी, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है बी का ये वेस्टेड ही है उन 2 महीनों के लिए, और अगर ये पोजीशन ले लेता है तो इसका वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर ये अभी तक पोजीशन नहीं ले रहा है 2 महीने तक, तो 2 महीने तक का जो इंटरेस्ट रहेगा वो वेस्टेड इंटरेस्ट बी का माना जाएगा। 2 महीने के खत्म होने के बाद ही जो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा वो सी का क्रिएट होगा, तब तक नहीं माना जाएगा कि सी का इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।